गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने YouTube चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, वो क्या है कि यूनिट वेट या डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, या कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो भी आपकी साइट पे, हमारी साइट पे जो भी मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, जैसे ब्रिक्स हो गई आपकी, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया दोस्तों, तो उसका जो आपका यूनिट वेट है या डेंसिटी है दोस्तों क्या होती है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि डेंसिटी होती क्या है, उसके बाद मैं आपको दोस्तों एक एक करके बताता हूं कि आप ये सबसे पहले ये डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी की बात करूँ दोस्तों तो डेंसिटी इक्वल टू होती है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया दोस्तों। तो बात करें मास की, या मास का क्या यूनिट वेट पता करें दोस्तों, मास का जो यूनिट क्या होता है, जैसे आप केजी, केजी से दोस्तों इसका यूनिट हो गया। बाकी वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो आपका क्यूबिक मीटर। तो जो आपकी डेंसिटी की, जो डेंसिटी का आपका जो यूनिट होता है आपका, वो क्या हो जाता है, केजी पर क्यूबिक मीटर दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा इसमें सीमेंट की दोस्तों, कि आपका सीमेंट का क्या होता है डेंसिटी। सीमेंट की बात करूं तो सीमेंट का दोस्तों हमारा होता है 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों मैं बताता हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं सीमेंट का 1440 केजी है, तो बताता हूं दोस्तों जैसे डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर सीमेंट का वन बैग का दोस्तों अगर मास पता करें, वन बैग का जो वेट होता है हमारा कितना होता है 50 केजी सीमेंट का, सीमेंट का जो बैग का दोस्तों एक बैग का वेट होता है 50 केजी। और बात करें इसकी वॉल्यूम की, सीमेंट बैग का जो वॉल्यूम होता है दोस्तों हमारा होता है उसका 0.0347 दोस्तों। तो ये आपका अगर कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा ये 1440 आ जाएगा दोस्तों। ये आपकी, आपका ये क्या केजी आ गया और ये आपका क्यूबिक मीटर आ गया। तो ये आपका आ जाएगा केजी पर क्यूबिक मीटर। तो अगर मैं और सिंपली बताऊं दोस्तों आपको, जैसे कि पास कोई मोल्ड हो गया दोस्तों, ये चीज़ आ गई आपकी, तो मान ली ये आपका एक मीटर, आपका ये भी है, एक मीटर लेंथ होगी, एक मीटर विड्थ और एक मीटर आपकी हाइट होगी दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ इस बॉक्स में, अगर मैं सीमेंट फिल करूँ दोस्तों पूरी तरह ऊपर तक, अगर सीमेंट भरूँ तो अगर उसका जब वेट हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो उसका आपका जो वेट आ जाएगा 1440 केजी आपका वेट आ जाएगा, क्योंकि ये आपका वन क्यूबिक मीटर आ गया दोस्तों। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वन क्यूबिक मीटर ये आपके। तो अगर इसमें दोस्तों अगर मैं सीमेंट फिल कर देता हूँ पूरी कम्प्लीटली जरा ऊपर तक, तो जो आप उसका वेट करोगे तो वेट करने के बाद आपका जो आएगा 1440 केजी दोस्तों आपका ये आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूँगा सेकंड नंबर बात करूँगा दोस्तों सैंड की बात करूँगा दोस्तों। तो सैंड का जो यूनिट वेट होता है दोस्तों क्या होता है हमारा, 1540 से लेके 1600 के बीच में आ जाता है दोस्तों ये आपका। तो इसकी भी यूनिट आ गई केजी पर क्यूबिक मीटर। तो ये आपका हो गया सैंड। बात करेंगे एग्रीगेट। तो एग्रीगेट की बात करें दोस्तों, तो एग्रीगेट का जो आपका कितना होता है दोस्तों, ये आपका 1680 से लेके आपका 1750 के बीच में आपकी इसकी डेंसिटी आ जाती है। बात करूंगा फोर्थ नंबर में आपको लेकर चलूंगा इसमें दोस्तों स्टील आपका आ गया, जैसे आपका जो सरिया साइट पे यूज होता है उसका बेड कर, तो आपका जाएगा 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर। फिफ्थ नंबर की बात करूं दोस्तों, फिफ्थ नंबर हम लेके चलते हैं इसका ब्रिक, जो आपकी ब्रिक्स यूज होती हैं साइट पर ब्रिक का, तो कितनी होती है दोस्तों इसका 1600 लेके 1920 केजी पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि डिपेंड करता है दोस्तों आपकी ब्रिक के साइज पे भी डिपेंड करता है इसकी डेंसिटी, 1600 से लेके 1920 तक आपकी डिपेंड करती है दोस्तों। सिक्स नंबर की बात करूं तो सिक्स नंबर लेते चलते हैं दोस्तों वाटर दोस्तों।
वाटर इसका आपका आ गया 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। सेवन नंबर बात करूंगा दोस्तों, सेवन नंबर आपका आ जाता है सीमेंट मोटार, जो दोस्तों हम ब्रिक वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टर वर्क के लिए दोस्तों। तो कितना इसका होता है दोस्तों, 2080 kg पर क्यूबिक मीटर। बात करूंगा एट नंबर दोस्तों, एट नंबर में अब बात करूंगा PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट, 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। नाइन्थ नंबर देखेंगे दोस्तों RCC रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट दोस्तों, इसमें आपका स्टील भी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए आपका हो जाता है दोस्तों ये 2500 kg पर क्यूबिक मीटर। दस लास्ट दोस्तों हम बात करेंगे, दस नंबर बात करेंगे दोस्तों AAC ब्लॉक, तो इसको इसकी जो डेंसिटी होती है दोस्तों 550 से लेके हम लेके चलते हैं इसका 650 kg पर क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैंने सीमेंट का एक एग्जांपल लिया, तो वैसे आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका ब्रिक्स हो गया दोस्तों, वाटर हो गया सीमेंट में, तो अगर आपको अगर इसमें वाटर दोस्तों अगर फिल करते हैं इसमें कम्प्लीटली और उसका वेट निकालते, तो जो आपका जो वेट आने वाला है दोस्तों 1000 kg पर क्यूबिक मीटर है, मतलब 1000 kg आने वाला है दोस्तों आपका ये वेट आने वाला है, ये आपकी डेंसिटी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही, अगली बार मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।